हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों और सरकार में बातचीत विफल होने के बाद उन्होंने जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे 44 पर पिपली के पास जाम लगा दिया है। किसान पुल और सर्विस रोड बंद करके धरने पर बैठ गए हैं। पुलिस ने जाम के चलते वाहनों के रूट भी डायवर्ट किए हैं। दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ से जाने वाले वाहनों को कुरुक्षेत्र के सेक्टर 2 और 3 कट से ब्रह्म सरोवर होते हुए नेशनल हाईवे 152 डी पर भेजा जा रहा है। चंडीगढ़ से दिल्ली आने वाले वाहनों को साहा कट पुल के नीचे से 2 सड़क अधोया बाबैन से लाडवा होते हुए आगे भेजा जा रहा है। इससे पहले किसान नेताओं ने कहा कि 2 बार प्रशासन से बातचीत हुई है। उन्होंने सीएम से करनाल में बात करने का भरोसा दिया लेकिन फिर कहा कि वे चले गए हैं। इससे साफ है कि सरकार पूरे मामले को लेकर गंभीर नहीं है, इसलिए लाठी डंडे पड़े या जेल भेजे अब हाईवे जाम किया जाएगा। किसानों की सूरजमुखी को लेकर MSP दिलाओ किसान बचाओ रैली हुई। इसमें हरियाणा के अलावा राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और UP से हजारों की संख्या में किसान पहुंचे। किसान सूरजमुखी पर MSP और किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी और दूसरे नेताओं की रिहाई की मांग भी कर रहे हैं। रैली में राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों ने MSP पर आवाज उठाई और उन्हें लाठियां मिली। सवाल सिर्फ एक फसल पर MSP का नहीं है। सरकार रेट घोषित करते हैं लेकिन उस पर खरीद नहीं करती। MSP गारंटी कानून होना चाहिए। आने वाले समय में इस कानून के लिए आंदोलन होंगे। देश में कलम और कैमरे पर बंदूक का पहरा है। चढ़ूनी की गलती सिर्फ इतनी थी कि MSP मांगी। हरियाणा सरकार किसानों को जल्दी रिहा करे। कोई भी किसानों के आंदोलन को लाठियों से नहीं दबा सकता। एक किसान पर लाठी पड़ेगी तो पूरे देश का किसान इकट्ठा होगा। जो भी यहाँ कमेटी फैसला लेगी, संयुक्त किसान मोर्चा उनका साथ देगा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।